करोड़ के दावे पर आरोप पर आपको यकीन होता है? मानक जी, एक दावा मैं करना चाहती हूँ आज। दरअसल पिछले 4-5 दिनों से जो ये पूरा ड्रामा चल रहा है, उस डिबेट्स के दौरान मैंने पब्लिक पोजीशन ली है आम आदमी पार्टी के लिकर पॉलिसी के अगेंस्ट। तो मेरे पास ना परसों अरविंद केजरीवाल जी का फोन आया जी। उन्होंने कहा कि शुभ्रास्ता जी, आप सभी विषयों पर बात कीजिए, लिकर पॉलिसी पे बात मत कीजिए, आपके घर मैं 50 करोड़ रुपए पहुंचा दूंगा। मैं बड़ा सकते में आ गई कि भाई ऐसे कैसे बात हो गई। भाई मैं भी कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने कहा कि कुछ भी करिए अरविंद जी, लिकर पॉलिसी पर तो मैं टिकी रहूंगी। आपके नेता भाजपा और आपकी बात करेंगे, मैं सीधे सीधे यही पूछूंगी कि लिकर पॉलिसी पे आपका व्हाइट पेपर कहाँ है। अब इस जो मैंने जो अभी आप दावा किया मानक जी, ये दावा सच है? ये दावा सच है? और जिस दिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं और अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं अपने कार्यालय में, वो जिस दिन वो लिस्ट जारी कर देंगे कि किनके पास से किनके पास कितना कितने करोड़ का ऑफर का फोन आया, उस दिन मैं भी बताती हूँ कि किस नंबर से अरविंद केजरीवाल जी ने 50 करोड़ आपको ऑफर किया। प्राइवेट नंबर यूज केजरीवाल जी ने, खुद फोन किया, नंबर के रूप में आता है, खुद फोन किया केजरीवाल जी ने और 50 करोड़ का ऑफर दिया। जी 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 बिल्कुल किया कि आप सभी चीजों पर बात कीजिए ना, आप सारी पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज कीजिए, बस लिकर पॉलिसी पे चुप रहना जी। तो आपने वो ऑडियो रिकॉर्ड किया था क्या? किया होगा आपने, जरूर किया होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया जी, मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, मैं तो आम जनता हूँ जी, मुझे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? जिस दिन आम आदमी पाई, मैं तो जनता हूँ ना, जनता तो कुछ भी बोल सकती कोई भी, अरे दो बातें नहीं हो सकती। एक तरफ सब लोग कहते हैं ये बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही शातिर किस्म के राजनीतिज्ञ हैं। अगर भाई शातिर नेता होगा तो वो मुख्यमंत्री होते हुए डायरेक्टली फोन करेगा और ऑफर देगा इस तरह से कि 50 करोड़ भेज देंगे, क्यों करेगा भाई? मानक जी, आपने इलेक्शंस के समय सुने नहीं थे क्या? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, आपके पास 2 मिनट का समय है, आपको क्या लगता था फेक कॉल है? मैं तो यही मान के चल रही थी कि वो बिल्कुल ही रियल कॉल चल रहा था। वो वैसा फोन आया है मेरे पास। पर शुभ्रस्ता, आपको भी पता है ना, बीजेपी ने बताइए कितने राज्यों में सरकारें पलटी हैं, जाइए पीछे 5-7-8-10 साल में, तो ये आरोप जब भी लगेगा उसका एनालिसिस तो होगा। ये वाला सवाल पूछेंगे तो मैं बिल्कुल वो बताऊंगी। ये जी ये इमेज जो है, इस पे बीजेपी को काम करना चाहिए, इस पे मैं बिना लाग लपेट के ये जरूर कहूंगी, क्योंकि ये हर बार जहां पर भी सरकार बीजेपी की नहीं होती है, वहां पर अगर विपक्ष का हर व्यक्ति अगर ये कहता है तो इस इमेज पे काम करना चाहिए। लेकिन इसका पलट जवाब सब सही पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी है, ऑपोजिशन के जितने लोग ये कहते हैं उनको भी है कि क्या आपकी पार्टी में या क्या आपकी विचारधारा में इतना दम नहीं है कि आप अपने नेताओं को सुरक्षित रख सके? क्या आपके नेता ऐसे, मतलब आप नेशनल टेलीविजन पर बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे नेता बिकाऊ हैं? अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेड होती और अगर मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल तिनका जोड़कर बनाया होता, मुझे शर्म आ रही होती, मैं पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दिया होता मैंने, कि मेरे रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पर आप लेकिन खरीदने वाले मेरे नेता कह रहे हैं 20 करोड़ में बिकने को तैयार हूं, क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं शुभ्रस्ता, कोई कंपनी नहीं है भाई, लोकतंत्र है, आप जनादेश पर चुनकर आते हैं, उसके बाद अगर आप दल बदलते हैं तो ये जनादेश के साथ धोखा होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल धोखा हो, जनादेश के साथ धोखा होता है। और दूसरी बात यह है कि आप ये बेसिकली आप प्राइमा फासी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जनता ने जिन लोगों को चुना वो बिकाऊ थे, यानी कि टिकट हमने जिन लोगों को दिया वो बिकाऊ थे, यानी इसका तो एक इंडिकेशन ये भी जाता है कि क्या आपने टिकट बांटते समय, टिकट देते समय क्या इन लोगों से चंदा वसूला था कि आज ये 50 करोड़ 800 करोड़ पता नहीं जो भी करोड़ का ये फिगर देते हैं, उस फिगर में बिकने को तैयार है? और हम इस चीज को मैं फिर से उसी पे आ रहा हूँ, आप कह रही है बीजेपी को इमेज पर काम करना होगा। भाई इमेज पर कैसे काम होगा जब एक एक करके कई राज्यों में सरकारें बदल जाएंगी पार्टियां तोड़कर, तो इमेज तो बनेगी जो बननी है। अगर पार्टी टूटकर सरकार बदलेगी तो फिर इमेज पर कैसे काम होगा? देखिए मानक जी, जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र, वो आपने एक पक्ष बताया कि भाई वो जनादेश का अपमान है, दूसरा पक्ष ये भी है ना कि हमारे संविधान में ही ये अरेंजमेंट भी है। आप जिस तरीके से सरकारें बनी हैं बाकी बहुत सारे प्रदेशों में, उसको गैर संवैधानिक तो नहीं कहा जा सकता, आप नैतिकता का सवाल उठा सकते हैं उस पे। लेकिन हमारे संविधान के दायरे में वो सरकारें बनी है, तो आप बीजेपी से ऑपोजिशन जलन कर सकती है कि भाई इतने शार्प पॉलिटिकल एक्यूमेंट वाले लोग हैं कि ये तोड़ जोड़ तोड़ की राजनीति के साथ कर लेते हैं, ये सवाल जायज
मॉरल मॉरली आप ये सवाल